राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी करप्शन कमेटी एलियस भ्रष्टाचार समिति आज आप सभी के सामने 8 बजे लाइव पर आपके सामने अनेक अनेक शब्दों का विश्लेषण करूंगा। पहले मैं आज अक्षय तृतीया है और हमारे विश्वेश्वर महाराज जी का आज पुण्यतिथि है, जन्मदिन है, जो 500 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था और हमारे कर्नाटक के साथ साथ संपूर्ण भारत में विश्वेश्वर महाराज का अभिनंदन करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और हमारे देवी देवताओं में इनकी एक भव्य स्वागत किया जाता है। मैं आज विश्वेश्वर महाराज जी का आज के आपके समक्ष पुष्पहार माला के साथ आज इनको शोभित करूंगा आपके आशीर्वाद के साथ। कोरोना हमारे देश के कोने कोने में काफी लोगों को परेशान कर रखा है और हमारे प्रधानमंत्री भारत सरकार 24/3/2020 को घोषणा किए थे लॉकडाउन करने के लिए। आज हमारे देश के कोने कोने में आज कोरोना महामारी के रूप में फैल गया है। लोग इस आपदा से काफी परेशान हैं, संकट की घड़ी चल रही है, देश की जनता परेशान है। मैंने अपने इस स्पीच में लाइव के द्वारा 20/4/2020 को और 24/4/2020 को महाराष्ट्र सरकार से रिक्वेस्ट किया था। माननीय उद्धव ठाकरे जी, आप बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ट्रेनें दीजिए, ट्रेनें चालू करिए, मैं यहाँ के प्रवासियों को उत्तर प्रदेश, बिहार और उनके जिलों में भेजूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट किया कि आपके पास इतने बसें हैं, इतने सुविधाएं हैं, बसें खड़ी हैं, उनके द्वारा उनके शहरों में, उनके गांव में आप यात्रा कराइए और वो हमारी जनता, प्रवासी जो हमारे मजदूर भाई हैं, सुखी रहेंगे। मुझे आज मैसेज मिला है, उद्धव ठाकरे जी हमारे लाइफ से काफी खुश हुए और उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि मैं सभी सरकारों से बातचीत कर रहा हूँ और मजदूरों को, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको उनके गांव तक मैं बसों से पहुंचाऊंगा। मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि आप मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाएं, उनकी शुभेच्छा लें, जिससे देश का विकास हो सके, गरीबों को न्याय मिले और गरीब मजदूर अपने गांव पहुंच करके रोजी रोटी के साथ साथ अपना पेट भर सके, क्योंकि महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में मजदूर इतने परेशान है, आज भुखमरी कगार पर आ गए हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी बार बार घोषणाएं कर रहे हैं कि मैं देश की जनता को न्याय दूंगा, मैं भुखमरी मिटाऊंगा, कोरोना को दूर करूंगा और मैं किसी तरह से किसी को भी भुखमरी से मरने नहीं दूंगा। लेकिन मैं देख रहा हूं प्रधानमंत्री का खाली ये एक स्पीच रहता है, उनके स्पीच के द्वारा खाली लोग सुनते हैं, न किसी को राशन मिल रहा है, न किसी को पैसे मिल रहा है। आज उन्होंने मन की बात भी जनता के सामने, प्रधानमंत्री का खाली ये एक स्पीच रहता है, उनके स्पीच के द्वारा खाली लोग सुनते हैं, न किसी को राशन मिल रहा है, न किसी को पैसे मिल रहा है। आज उन्होंने मन की बात भी जनता के सामने बोला कि मैं लोगों को पेंशन पहुंचा रहा हूं, पैसे पहुंचा रहा हूं, उनके खातों में जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है कि पैसे किसको मिल रहा है, कहां मिल रहा है। आज जनता परेशान है, आज जनता कैसे परेशान है, भुखमरी कितने परेशान है। आज हमारे बाबूराव रोकड़े जी जो लातूर में रहते हैं, उन्होंने एक मैसेज भेजा कि सर लातूर की जनता इतनी परेशान है, वहां खाना नहीं मिल रहा है, वहां पर पैसे नहीं मिल रहे हैं, फंड नहीं मिल रहे हैं, आज जनता परेशान है। आज वहां पर आदिवासी एरिया है, हमारे दलित भाई हैं, कितने भूख से परेशान है। लातूर एक ऐसा जहां भूकंप आया था, वहां की जनता गरीब जनता है, पहले भूकंप से परेशान थी और आज इस लॉकडाउन से परेशान है। भाइयों बहनों, आप देखिए हमारे किस तरह से महाराष्ट्र की जनता परेशान है। इसी तरह से दापोली महाराष्ट्र में हमारी जनता, नवा नगर है, वहां पर 50 घरों में राशन नहीं मिल रहा है, सरकार राशन नहीं दे रही है, लोग खाने के लिए बिना परेशान है। आज हमारे वहां के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने मुझे फोन किया, हमारे रत्नागिरी के हमारे पवार साहब ने, तानाजी पवार, और हमारे वहां के उनके बड़े भाई ने मुझे फोन किया, इतप्पे हमारे जो
माता के अध्यक्ष फोन किया कि नवानगर की जनता 50 घरों में राशन नहीं मिला है, आज सरकार वहाँ राशन नहीं दे रही है, जनता कितनी परेशान है। प्रधानमंत्री जी आपसे घोषणा कर दे रहे हैं, आपने अपने ग्राम पंचायत पंचायती राज में 4 लोगों को खड़ा कर दिया, अपने उत्तर प्रदेश, अपने कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, बिहार, और उनको अपने अपने ग्राम पंचायत अपनी योजना में कि डिजिटल करने जा रहे हैं, सब राशन मिलेगा, सबकी सबकी जांच होगी, किससे लोग लॉकडाउन से खुश हैं। लेकिन आप दापोली की जनता की देखिए, लातूर की जनता की देखिए, गुजरात की जनता की देखिए, आप एमपी की जनता की देखिए, राजस्थान की जनता की देखिए, लोग कितने परेशान हैं। आपने उनको क्यों नहीं अपने सभा में बुलाया, आपने उनको उनको क्यों नहीं आपने जनता के सामने रखा, आज लोग परेशान है। हमारे गुजरात के अध्यक्ष मुकेश भाई खत्री, उन्होंने मणिपुर पुलिस स्टेशन के तहत ईसापुर पुलिस तहत उन्होंने 18/4/2020 से 1000 लोगों को खाना खिलाया। मणिपुर किसका एरिया है? प्रधानमंत्री जी आपका एरिया है, आपके लोग हैं, आप वहां रहने वाले हैं, आपने वहां कितनी सुविधाएं दिया है, आप चुनाव कितनी बार जीते वहां से, आप मुख्यमंत्री हुए, मणिपुर की जनता कितनी परेशान है। मुकेश भाई खत्री हमारे किससे लोगों को खाने खिला रहे हैं, पुलिस का सेवा करें, जनता का सेवा कर रहे हैं, आप बताइए लोग परेशान है। आपके सौरभ श्रीवास्तव जी वाराणसी में एक एमएलए हैं, जो उन्होंने 27 लाख का पेयजल डाबर से मंगा करके लोगों को पिला रहे हैं। अब बताइए 27 लाख का अगर रोटी और जनता को मिलता, खाना मिलता, तो लोग कितना न्याय मिलता, लोग का पेट भरता। लेकिन नहीं, भाजपा के एमएलए साहब खाली पेयजल डाबर का नाम करने के लिए ऐसा हमारे बनारस में कर रहे हैं। आज बताइए किस तरह लोग परेशान। आज हमारे 7 पुलिस वालों को हमारे वहां पर कोरोना से पीड़ित हो गए हैं, आज वो पॉजिटिव पाए गए हैं, आज हमारी पुलिस परेशान है, किस तरह से हमारे हेल्थ के लोग परेशान है। आपने बोला कि पुलिस अच्छा वर्क कर रही है, मैं पहले से पुलिस हमेशा सीआरपीसी के तहत आईपीसी के तहत हमेशा हमारे वहां पर कोरोना से पीड़ित हो गए हैं, आज वो पॉजिटिव पाए गए हैं, आज हमारी पुलिस परेशान है, किस तरह से हमारे हेल्थ के लोग परेशान है। आपने बोला कि पुलिस अच्छा वर्क कर रही है, मैं पहले से पुलिस हमेशा सीआरपीसी के तहत आईपीसी के तहत हमेशा पालन किया है, आईपीसी के तहत उन्होंने क्राइम बुक किया है और सीआरपीसी के तहत जज ने न्याय दिया है, कोर्ट ने न्याय दिया है, और पुलिस हमेशा गालियां खाती है। अगर एक का हम एफआईआर लिखते हैं, दूसरे को अरेस्ट करते हैं, परेशान होते हैं। आज प्रधानमंत्री ने पुलिस का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और जो भी सीएम होता है, जो प्रधानमंत्री हो जाए, जो गृहमंत्री रहता है, वो पुलिस का रिस्पेक्ट करता है, सत्ता में जाने के बाद भी पुलिस की बुराई करते हैं। आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी किस तरह पाल करके एसपी का पुलिस की बदनामी किए, आज क्योंकि वो सीएम नहीं है, वो बोले पुलिस के कार्रवाई करना चाहिए, उसी पुलिस को, उसी एसपी को, गौरव सिंह को किसने अपॉइंट किया था? आपके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने, तभी वो अच्छे थे गौरव सिंह, और आज वो काम नहीं कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी सत्ता में आने के बाद सभी लोग सबका रिस्पेक्ट करते हैं, जो सत्ता में नहीं है अगर वो लोग पुलिस का, सरकारों का, हेल्थ के लोगों को, जनता का रिस्पेक्ट करें, तो ये देश हमारा सुधर जाएगा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे 16/4/2020 को 2 साधुओं के और एक ड्राइवर के हत्या पालगढ़ जिले में कर दी गई, जिसमें हमारे सुशील गिरी महाराज जी जिनकी उम्र 35 साल की थी, कल ब्रिज महाराज जी जिनकी उम्र 70 साल की, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है चित्रा चौधरी जो समाज सेविका थी, वह 12 बजे से लेकर के 3 घंटे तक वह आरोपियों को रोकती रही और वह साधुओं को ऊपर हमला करने के लिए बचाती रही, उसके वजह चित्रा जी की वजह से उन बाबू साधुओं की जान बची, पुलिस को बुलाई, पुलिस के सामने साधु के लोगों को खड़ा कर दिया, उनको उनका सहयोग किया, और उसके बाद में हमारे ऐसे एक वहां पे हमारे आगे वहां पर चौधरी साहब पाल करके रहने वाले हैं, पर चौधरी साहब को फोन किया गया और चौधरी साहब वहां पर आए, चौधरी साहब ने लोगों को आवाज उठाई साधुओं को मार डालो। आज मैंने हमारे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री, गृह सचिव, राष्ट्रपति आयोग, केंद्रीय सत्ता आयोग, और महाराष्ट्र के राज्यपाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और महाराष्ट्र के गृह सचिव, गृहमंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महासंचालक को एक लेटर लिखा है, देखिए ईमेल के द्वारा, कि हमारे इस शिकायत की जांच किया जाए कि किस तरह से ये चौधरी आकर के, जो एक एनसीपी का कार्यकर्ता है वो आकर के वहां पर हमारे साधुओं के ऊपर हत्या हमला कराया
उनको मरवा दिया, उनके वजह से हत्या हो गई। 3 घंटे तक हमारे पुलिस और जनता ने साधुओं के ऊपर हमला नहीं किया, ये दुख की बात, ये खुशी की बात है। और जैसे वो वहां से आया उसके ऊपर हमला करा दिया, दुख की बात है। मैं महाराष्ट्र सरकार से और अतुल कुलकर्णी जो हमारे ADG हैं क्राइम ब्रांच पुणे के, उससे मांग करता हूँ कि सुशील गिरी महाराज जी जो 35 वर्ष से उनका जो मोबाइल की जांच किया जाए कि उनके मोबाइल का लास्ट फोन उनके किसका आया और किसने फोन किया था, उसके बाद कैसे उनके ऊपर हमला किया गया। साथ साथ में मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने अतुल कुलकर्णी से अतुल कुलकर्णी जी इसकी जांच करें, जो हमने इस लेटर में लिखा है वो कौन सा ऐसा NCP का कार्यकर्ता है जो जिला सदस्य है, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला सदस्य, वो 3 घंटे के बाद वहां पर आया और उसने लोगों को भड़काया, लोगों को मार, मोबाइल की जांच किया जाए कि उनके मोबाइल का लास्ट फोन उनके किसका आया और किसने फोन किया था, उसके बाद कैसे उनके ऊपर हमला किया गया। साथ साथ में मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने अतुल कुलकर्णी से अतुल कुलकर्णी जी इसकी जांच करें, जो हमने इस लेटर में लिखा है वो कौन सा ऐसा NCP का कार्यकर्ता है जो जिला सदस्य है, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला सदस्य, वो 3 घंटे के बाद वहां पर आया और उसने लोगों को भड़काया, लोगों को मारा, लोग भड़काने के बाद में बाबाओं की हत्या कर दी गई। और आज तक कांग्रेस के लोग, NCP के लोग, शिवसेना के लोग न तो बोर्ड पर आ रहे हैं, न तो डिबेट कर रहे हैं, न किसी मीडिया सामने आ रहे हैं। हमारे शहनाज हुसैन जी, मैं कल देखा शहनाज हुसैन जी को कितने टेंशन में थे, कैसे लोग डिबेट कर रहे थे। नहीं, इसकी जांच किया जाए। कांग्रेस के लोग, NCP के लोग, शिवसेना के लोग क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं, क्यों नहीं मीडिया सामने आ रहे हैं। दुख की बात है, हमारे बाबा का मर्डर हो गया, बाबा की हत्या हो गई, देश में हमारे साधुओं को भरोसा लोग हट जा रहा है, साधु संत देश की रक्षा कर रहे हैं, आज उनके वजह से हमारा देश चल रहा है और पालघर की जनता हमारी चुपचाप बैठी है, क्योंकि प्रशासन उनके उनके अंदर में आता है। प्रशासन के प्रशासन को आवाज उठाएंगे, लॉकडाउन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और भाई जनता चुपचाप बैठी है, लेकिन जनता चुप नहीं बैठी, हमारे साधु संत चुप नहीं बैठेंगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद में मैं खूब मोर्चा निकालूंगा, अनशन करूंगा, देश में रैलियां निकालूंगा और जो जो इसके अपराधी हैं, जो जो क्राइम किए हैं, जो हमारे बाबाओं के साथ में हत्या कराया है, अब हमारे 35 साल के बाबा के साथ जो अन्याय हुआ है, मैं न्याय के लिए गुहार लगाऊंगे, जनता के सामने अपील करता हूँ। जनता, आप बाबाओं की जो हत्या कर दी पालघर में, हमारी सरकार चुप बैठी है, सरकार चुप बैठी है और जनता चुप बैठी है, क्योंकि जनता के सामने समस्या है, लाडो समस्या है, जनता परेशान है, लेकिन ये जनता नहीं चाहती है कि कोई सन्यासी मारा जाए, कोई बाबा मारा जाए, ये अत्याचार हुआ है। दुख की बात, मैं कहना चाहता हूँ अतुल कुलकर्णी जी से, आप ये जो चौधरी साहब हमारे जो NCP के हमारे वहाँ के कार्यकर्ता है और जो वहाँ के सदस्य है, ग्राम पंचायत के सदस्य है, उनकी जांच की जाए। हमने लेटर आपको भेजा है और इसकी जांच किया जाए कि चौधरी साहब 3 घंटे बाद वहाँ पर कैसे पहुंचे, कैसे हमला कराए, कैसे वहाँ पर उन्होंने काशीनाथ चौधरी जी ने किस तरह से लोग हमला कराया, किस तरह से लोगों को भड़काया उनके वजह से, क्योंकि हमारे पास 16/4/2020 को जो जानकारी मिली थी तो मुझे एक डिटेल नहीं था कि कौन हत्या कराया था, लेकिन हमारे पास ये 22/4/2020 से काफी फोन आए हैं कि ये काशीनाथ चौधरी जो है उन्होंने ही बाबाओं को हत्या करने के लिए लोगों को भड़काया था और उनके वजह से बाबा की हत्या की गई और काशीनाथ चौधरी जी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, गिरफ्तार किया नहीं जा रहा है, क्योंकि शरद पवार जी के नजदीकी हैं, NCP के कार्यकर्ता हैं और पालघर के वह ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, उनका बोलबाला है और गौरव सिंह जो पुलिस अधीक्षक पालघर हैं उनके दोस्त हैं, उनके करीबी हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन मुझे आशा है महाराष्ट्र सरकार हमारी इतनी ठंडी नहीं है, सरकार पास इतनी पावर है, पुलिस पास इतनी पावर है, जरूर बाबा के हत्यारों को सजा मिलेगी और सजा मिलेगी, सभी को मकोका लगाया जाएगा। मुझे सरकार से रिक्वेस्ट है, क्राइम ब्रांच से रिक्वेस्ट है, साथ साथ में मैं देश के प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने 22/4/2020 को एक ऐलान किया था लाइव के द्वारा कि हमारे तेलंगाना में वकील लोग, पूरे देश के वकील लोग काफी परेशान है। साथ साथ में मैं देश के प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने 22/4/2020 को एक ऐलान किया था लाइव के द्वारा कि हमारे तेलंगाना में वकील लोग, पूरे देश के वकील लोग काफी परेशान है, 1 महीने से ये कोर्ट बंद है, 33 दिन से कोर्ट बंद है, 40 दिन होने के कोर्ट बंद है, वकीलों का एक ही रास्ता है, खाओ कमाओ खाओ।
आज ये 30-35-40 दिन वो कोर्ट बंद है, उनके कहाँ से फंडिंग आएंगे, कैसे चलेंगे, क्योंकि उनका कोई फंडिंग नहीं आता है, कोई सरकार पेमेंट नहीं देती है, कोई वेतन नहीं। तो जो उनके बार काउंसिल पैसे जमा है उस पैसे को उनको रिलीफ की तरफ से उनको रिलीज किया जाए, उनके मिलेंगे। तो मैं कल मुझे जानकारी मिली कि तेलंगाना बार एसोसिएशन के जो वकील लोग हैं उन्होंने तेलंगाना के सीएम से अपील किया कि सर हमारे जो फंड 100 करोड़ जमा है इसको हमारे वकीलों को दिया जाए। तो मैं बड़ी खुशी है कि मैंने जो हमने 24/4/2020 को लाइव किया था, हमारी वकीलों को अच्छा लगा, हमारा सुझाव अच्छा लगा, हमारा लाइव अच्छा लगा। वकीलों ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के पास अपील किया है कि ये पैसा फंडिंग मुझे दिया जाए। ऐसे पूरे इंडिया में जो वकीलों का पैसा जो बार काउंसिल पर जमा है वो पैसा वकीलों को दिया जाए, सरकार भी अपनी तरफ से उनको रिलीफ दे, उनको हेल्प करे, जिससे हमारे जो वकील घर बैठे हैं उनका खाना खर्च चले। क्योंकि हमारे देश में वकील ऐसे हैं जो कि सीआरपीसी के साथ लड़ाई करते हैं, आईपीसी लड़ाई करते हैं, जनता को न्याय देते हैं। हमारे जो बेकसूर लोग हैं उनको एक्यूज बनाया जाता है, आरोपी बनाया जाता है, उसको न्याय के लिए जुडिशरी जाकर खड़ा करके काली कोट पहन करके खड़ा होते हैं और हमारे लोगों को न्याय दिलाते हैं, उनको जामीन मिलता है, बेल मिलता है, वो बाहर रहते हैं और वो वकीलों का पेट नहीं भरेगा, उनको न्याय नहीं मिलेगा, फंडिंग नहीं होगा तो हमारे देश का क्या होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भारत के प्रधानमंत्री से कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे वकीलों को, साथ साथ में हमारे जो ऑटो रिक्शा जो हमारे टैक्सियां बंद पड़ी है उसके ड्राइवर के पास कोई फंडिंग नहीं, पैसा नहीं है, आज वो क्या खर्चे आएंगे, कहां से पैसे आएंगे, उन ऑटो ड्राइवरों को, टैक्सी ड्राइवरों को आप फंडिंग दो, आप पैसे दो। प्रधानमंत्री आज हमने अपनी स्पीच बोला है कि मैं लोगों को पीएफ भेज रहा हूँ, फंडिंग भेज रहा हूँ, और लोगों को पैसे भेज रहा हूँ, किसको भेज रहा हूँ आपको मालूम है, लेकिन आपके जो आई कार्ड है आपने बोला मैं सब्सिडी 3 महीने का लोगों को मैं ये गैस दे रहा हूँ, आप किसको दे रहे हो आपको मालूम है, हमारे एरिया में तो किसको गैस नहीं फ्री मिला है, किसको नहीं मिला है, वो कहाँ बांट रहे हैं वो आपको मालूम होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जनता को गुमराह करना बंद कर दीजिए। आप जो मन की बात में बोल रहे थे हमने सबको दिया है, किसको दिया आपको मालूम होगा, आप डिटेल सामने आप फ्लैश करें, पेपर सामने रखें कि हमने जनता को न्याय दिया है, जनता को फंडिंग दिया है, जनता को पैसे दिया है, लॉकडाउन में किसको आपने हेल्प किया है, कितना फंड आपने स्टेटों को दिया है, जनता को दिया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्रधानमंत्री हैं, मन की बात करिए, लॉकडाउन कर दीजिए, आप घंटी बजाइए, लाइट जाए, टार जाए, वो आपकी आपका दायित्व है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जो बोलेंगे जनता करेगी। लेकिन जनता एक दिन न्याय करेगी, जनता एक दिन सोचेगी कि लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को दिया कि गुमराह किया कि दिशा भ्रमित किया कि क्या लोग खाना मिला। आज जनता परेशान है और लॉकडाउन में हमारे पुलिस प्रशासन कितने परेशान है, आपने उनका भत्ता काट लिया, आपने बताइए 2020 में जो हमारे 20 में भत्ता देने वाले थे वो भत्ता आपने बड़ा भत्ता आपने उसको डिडक्ट कर लिया। आप बोलते 38,000 करोड़ फायदा होगा तो मैं कोरोना के डिडक्ट करना ही, उनके फंडिंग को आप डिडक्ट कर रहे हैं, ये कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। आप जनता का जो फंड है, पैसे आ रहे हैं, डोनेशन आ रहे हैं, वो जनता को दीजिए, उनसे न्याय मिलेगा, कोरोना का दूर होगा। मुझे आशा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे आवाज को सुनेंगे, साथ साथ में पूरे देश की जनता जहाँ आना जाना चाहती है आप उनको जरूर अलाउ करिए, 4 लोग को अलाउ करिए, कार का पासेज दीजिए जिससे जनता में जा सके, अपने घरों तक जा सके, हमारे प्रवासी लोग जा सके, जो परेशान हो जा सके। आपने ऑर्डर दिया है, सरकारों ने आदेश दिया है कि डीजी कंट्रोल डीएम आदेश देंगे। आज हमने आज डीजी कंट्रोल मात्रा से बात किया, 70,000 रूपए 5 पेपर है आज पेंडिंग में है, लोगों को नहीं मिल रहा है, परमिशन नहीं मिला है, उनको ई पास नहीं मिल रहे हैं, उसकी इतनी इंक्वायरी हो रही है, 4 लोग एक कार में फैमिली के जा रहे हैं, उसे कोरोना कहाँ बढ़ने वाला है। आप खुद बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग करना, तो अगर 4 लोग ये गाड़ी बैठते जाते हैं तो क्या क्राइम का कोरोना बढ़ेगा, एक ही परिवार के 10-10 लोग घर में रह रहे हैं उससे कोरोना की महामारी नहीं बढ़ रही है। परिवार के लोग अगर परिवार लोग कहीं बाहर जाते हैं अपने कार से आते हैं उनको अलाउ कर दीजिए, आप कहीं भी जाओ फैमिली के लोग जाओ हम आपको अलाउ करते हैं तो उनको न्याय मिलेगा, भुखमरी खत्म होगी। आप बोलते दुकानें चालू कर रहा हो, दुकानें चालू कर अच्छी चालू करिए, लोगों को खाने की सुविधाएं मिलेगी, फूड मिलेगा, लेकिन आप ये भी करिए जनता के न्याय के सुविधाएं दीजिए, आप फ्लाइट चालू कर दिए, ट्रेनें चालू करिए, डिस्टेंसिंग आप जो आपके पास जो आपने अनाउंस किया है
चार लोग, दो लोग, दो मीटर दूरी पर बैठे हैं, तो आप ऐसा सुविधाएं दीजिए तो लोग उसका पालन करेंगे। ये जो जो हमारी भुखमरी वाली जो आपदा ऐसा सिस्टम आ गया है, लोग खाने पीने परेशान है। लोग आज देखते लोगों के घरों में राशन नहीं है, सब्जियां नहीं है, दाल नहीं है, पैसे नहीं है, लोग कितने परेशान। इसका सर्वे कराइए कि लोग कितने परेशान है और उनको क्या मिल रहा है। आपने बोले मैं 500 दे रहा हूँ, 500 में क्या मिलने वाला है, हमारे लोग कितने परेशान है। मेरी रिक्वेस्ट है हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे सभी मास्क के चीफ मिनिस्टरों से, सभी मुख्य सचिवों से, जनता का ख्याल करें, जनता के विचार करें, कोरोना से लड़ाई लड़ें, जनता के न्याय लें, ऐसे निर्णय लें जिससे जनता को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत। दोबारा मैं 28/4/2020 को इसी 8 बजे आऊंगा और मैं अगले संवाद के साथ आऊंगा। मुझे आशा है कि इस हमारे संवाद को सब लोग जिसको केयर करेंगे, ध्यान देंगे और ये मैसेज मीडिया तक जाएगा, मीडिया के कान खुलेंगे, क्योंकि मीडिया के जो लोग हैं, अच्छे अच्छे मीडिया हैं, वो केवल सरकार की सुनती है, हमारे जैसे लोगों की नहीं सुनती है, क्योंकि उनको यार कुछ फंडिंग नहीं मिलता है, पैसे नहीं मिलता है। आज तक जी न्यूज, एबीपी न्यूज, NDTV जो मीडिया है, ये लोग कहाँ जाते हैं, किस पर जाते हैं, सरकारों पर जाते हैं, उनका सरकार जो बोलती है, प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसको रिपीट करते हैं, लेकिन आज हमारे लोगों का मैसेज नहीं पहुंचाते हैं। क्योंकि मालूम है हमारे मैसेज पहुंचाएंगे, सरकार से फंडिंग उनका बंद हो जाएगा, सरकार से जो उनको करेंसी आती बंद हो जाएगा, सरकार ऐड नहीं देगी। तो हम मैं उस सभी मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं, आप सामाजिक संस्थाएं हैं उनका भी हेल्प करें, उनका भी कवरेज करें, जनता कवरेज करें, और जो हमारी सरकारें गलत कर रहे हैं उसके विरोध में जाएं, जिससे आज क्योंकि हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इसको इतना पावर है, किसी को नंगा कर सकती है, किसी को ओपन कर सकती है। आपको इसीलिए हमारे मीडिया को ये कितना अधिकार दिया गया है और मीडिया हमारी कोरोना में कितना वर्क कर रही है। मीडिया से रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे समाचार कोरोना में कितना वर्क कर रही है। मीडिया से रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे समाचारों को प्रिंट करें, अच्छे समाचार दिखाएं जिससे कोरोना के खिलाफ कार्रवाई हो सके। और अगर कोई नेता, कोई भी मंत्री भ्रमित करता है तो उस खबरों को खंडित करें और उसको दिखाएं जिससे मालूम पड़ेगा कि जनता को न्याय कैसे मिलेगा, जिससे कोरोना कैसे खत्म होगा, खात्मा होगा। मैं रमजान के सभी भाइयों को नमस्कार करता हूं। आप लोग रमजान की वजह से हमारे ईसा, जो हमारे ईसा भाई, जो हमारे जो एक पीड़ित थे हमारे यीशु खेड़ा जी, हमारे गुजरात के, उनको न्याय मिल गया। कल हमारा ये रमजान चालू हुआ, कल ही हमारे गुजरात से हमारे पास मैसेज आया, मुकेश खत्री जी का और हमारे उर्मिल शाह जी का, महेश प्रजापति जी का, हमारे उमेश भाई का, कि हमारे जो हमारे यीशु भाई खेड़ा थे, जो मुस्लिम परिवार से आते हैं, जिनको पॉजिटिव हो गया था कोरोना, वो फ्री हो गए, निगेटिव पाया गया। मैं यीशु खेड़ा जी को नमस्कार करता हूँ। हमारे अल्लाह ताला में इतनी शक्ति है कि आपके रमजान में आपको शक्ति दिया, सभी मुस्लिम भाई को शक्ति दिया। मैं सभी मुस्लिम भाई से रमजान पढ़े, देश की सेवा करें, रोजा पढ़े जिससे हमारा अच्छा होगा, और नमाज पढ़े देश को न्याय मिलेगा। मुझे आशा है जैसे आज प्रधानमंत्री जी बोले कि ईद के समय तक हमारा ये सभी कोरोना खत्म हो जाएगा, मैं भी आशा करता हूँ कि मुस्लिम भाइयों की इतनी शक्ति है, इससे नमाज भी इतनी शक्ति है, रोजा भी इतनी शक्ति है, इस रमजान में शक्ति है, जैसे यीशु भाई केड़ा को न्याय मिला और निगेटिव पाए गए। लोग परेशान थे, यीशु भाई केड़ा हमारे जाकर हमारे मुख्यमंत्री रूपाणी साहब को गुजरात में मिले तो उनको पॉजिटिव हो गए, उनको कोरोना हो गया, लोग परेशान हो गए, कितनी बदनामी हुई। लेकिन आज अल्लाह ताला ने, रमजान ने किस तरह से न्याय दिया, मैं नमस्कार करता हूँ हमारे यीशु भाई केड़ा को। आपकी आपकी शरीर के लिए, सेहत के लिए आप अच्छे रहें, साथ साथ देश के सभी मुसलमान भाई अच्छे रहें, रमजान के पर्व त्योहार मनाएं, साथ साथ देश हमारा का विकास हो। जय हिंद, जय भारत।